के पत्र संख्या 26 विदिन ब्रैकेट 3 202023-01 CRIF/2022 दिनांक 9 जनवरी 2023 द्वारा उक्त मार्ग में सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के कार्य हेतु 46.73 करोड़ का प्रस्ताव महानिदेशक सड़क विकास एवं अवर सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार को प्रेषित आंगणन में मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के अलावा अतिरिक्त पहाड़ कटाव क्रॉस ड्रेनेज दीवार के सुरक्षात्मक कार्य के प्रावधान किए गए हैं। आंगणन पर भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। माननीय दृष्टि जो बात माननीय मंत्री जी ने कही कि इस मोटर मार्ग को CRIF के तहत जो है बनाने की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही और जो प्रस्ताव सरकार ने भारत सरकार को भेजा है वो भी जनवरी 2023 में भेजा है। आज हम 2024 में प्रवेश कर गए हैं। एक साल का समय जो है व्यतीत हो गया है और जो आंगणन भी भेजा है 46.73 करोड़ का, स्वाभाविक बात है जब एक साल तक स्वीकृति नहीं हुई तो इसका आंगणन भी बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है और इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी जो है इंगित है। घोषणा संख्या 639/2021 दिनांक 2/9/2021। अब 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जनवरी 2023 में सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। आज हम 24 में प्रवेश कर गए हैं लेकिन इस सड़क के डामरीकरण की बात किसी भी तरीके से नहीं हो रही। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकार के दोनों ही मुख्यमंत्रियों द्वारा इस सड़क के निर्माण की घोषणा की गई लेकिन आतिथि तक जो है अभी तक कोई इस पर जो कार्य नहीं हुआ। इस सड़क की स्थिति ये है कि पहाड़ कटान भी होना है, क्रॉस ड्रेनेज भी बननी है, दीवारों का निर्माण होना है, सुरक्षात्मक कार्य होना है, GI, G2, G3 एवं डामरीकरण का कार्य होना है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी भी इस बात से सहमत है कि जब आदमी देहरादून से चलता है तो देहरादून से जाने के बाद जब उसे हिमाचल के क्षेत्र में जाना पड़ता है तो वहाँ पर बड़ी कठिनाई का सामना जो है करना पड़ता है। वहाँ टैक्स इम्पोज होता है, हम पर भी टैक्स इम्पोज होता है, हमको भी कोई रिबेट नहीं मिल पाती है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो व्यावसायिक वाहन हैं जो उस हिमाचल क्षेत्र से गुजरते हैं उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से, भारत सरकार आपने भेज दिया और वो प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित पड़ा हुआ, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ अरे कब तक इस मोटर मार्ग को बनाने का काम आप करेंगे? क्या वो प्रस्ताव भारत सरकार में ऐसे ही एक साल हो गया फिर आप दूसरा प्रस्ताव भेजेंगे, एक साल तक वो लंबित रहेगा? तो ये तो बता दें कम से कम कि भाई 2021 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मोटर मार्ग बना हुआ है और 40 साल पहले बना था और क्योंकि वो इसलिए लंबित रहा कि आपसी विवाद होने की वजह से और न्यायालय में जो है क्या नाम वाद होने की वजह से वो नहीं बन पाया, अन्यथा ये पहले भी बन जाता। लेकिन सरकार को चाहिए कि वहाँ प्राथमिकता ये है कि वहाँ की जो जनसंख्या, जो वहाँ के स्थानीय हम लोग हैं, हमको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा लेकिन बाहर से जो लोग हनोल मंदिर में जाते हैं, जो आस्था रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी तो स्वयं भी न जाने कितनी बार हनोल मंदिर में गए, आपको तो सारी चीज नहीं मैं वही कह रहा हूँ, गए ना, आस्था की वजह से तो जाता, अगर आस्था न हो तो कोई वो पर्यटन क्षेत्र थोड़ी है, वो आस्था की वजह से तो जाता। आप कई बार गए हैं तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपकी प्राथमिकता में भी है और प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है तो कदापि उचित नहीं। सरकार कम से कम ये तो बताए कब तक जो है इसका कार्य हो जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और जैसे कि माननीय सामान्य सदस्य ने बताया कि ये जोड़ता है हनोल, जो हमारा बहुत बड़ा एक केंद्र है उसको भी जोड़ता है। तो निश्चित रूप में मैं केंद्र में भी गया था, मंत्री जी से भी मिला, उनसे भी मैंने आग्रह किया और ये हमारे वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है और इसका जो आंगणन जो है भारत सरकार अपेक्षित है वहाँ गया हुआ है। माननीय राज्य सरकार के, या तो राज्य सरकार ये कहे
कि हमारे वित्तीय संसाधन से ये बन रही है, आप तो केंद्र से जो पैसा उसके माध्यम से बनाए, तो पैरवी तो करे, डबल इंजन भी पूरी कर रहे हैं, पैरवी पूरी कर रहे हैं उसके लिए, डबल इंजन की सरकार का कुछ तो असर दिखना चाहिए, ये कहने के लिए डबल इंजन है या काम करने के लिए भी है डबल इंजन। माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी तथा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को ग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्री सुमित हृदेश जी। माननीय अध्यक्षा जी, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, जो वन्य जीव हैं और जो उनका दुष्प्रभाव और जो आम जनमानस 13 के 13 जो जिले हैं उत्तराखंड के वहां पे परेशान है, इस विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। कल मेरा एक प्रश्न भी लगा था, माननीय वन मंत्री जी ने जो जानकारी दी, वर्ष 2017 से लेके अब तक 444 लोगों की मौत बाघों के हमले से हुई। मैं तभी आपको बता दूं, बाघों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2006 में बाघों की संख्या 176 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 560 हो गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो बाघों की संख्या वर्ष 2006 में 137 थी और 2022 में आंकड़ा 260 पहुंच गया, और अब ये 2 वर्षों की अवधि में ये संख्या और बढ़ चुकी है। अगर मैं बताऊं कि कितने लोग हताहत हुए हैं मेरे क्षेत्र के आसपास, नवंबर से लेकर अभी तक, 12 नवंबर 2023 को कॉर्बेट पार्क के ढिकाला में नेपाली मजदूर शिवा गुरुम को बाघ ने शिकार बना दिया। 23 नवंबर 2023 को कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेस्ट हाउस के पास बाघ ने नेपाली श्रमिक राम बहादुर को मारा। 6 दिसंबर 2023 को कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत पटरानी की अनीता देवी को बाघ ने मार डाला। 19 दिसंबर 2023 को भीमताल ब्लॉक की ग्राम पंचायत अलचोना के तोक तांडा में मंगलवार शाम 5 बजे खेत में चारा काट रही 18 वर्षीय निकिता शर्मा को बाघ ने मार डाला, आदमखोर जानवर ने मार डाला, इनके घर भी हम गए थे। 27 जनवरी 2024 को रामनगर वन प्रभाग के चुकुम गांव में शौच करने गए गोपाल राम की बाघ ने हमले में मौत करी। 28 जनवरी को कॉर्बेट के ढेला रेंज में दुर्गा देवी को बाघ ने अपना निशाना बनाया। और भीमताल क्षेत्र की बात करूं, रामनगर क्षेत्र की बात करूं, ओखल कांडा की विशेष अगर बात करूं, हल्द्वानी में डमरडूंगा क्षेत्र में 2021 और 22 में 3 महिलाओं को बाघ ने मार डाला। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, कई इसके कारण है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की माननीय अध्यक्षा जी बात करें, बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस बारी हमने देखा कि बुरांश भी अखबार में पढ़कर मैं चकित हुआ, और हम लोग को सोचना चाहिए, हम सबको संरक्षण करना चाहिए। बुरांश 2 महीने पहले खिल गया माननीय अध्यक्षा जी, इस बारी तो ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा असर है कि ये जो जानवर हैं इनका जो माइग्रेशन है ये असमय पर हो रहा है, और तभी मैन वर्सेस वाइल्ड की जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें वन कर्मी भी हमारे जो हैं, फॉरेस्ट के कर्मी हैं, इनकी भी मौतें हुई हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम पहाड़ों में भालू, जंगली सुअर और बंदर मुख्य रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए आए हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया। अगर बात करी जाए, उत्तराखंड में हर माह 20 हेक्टेयर खेत तबाह कर रहे हैं, हर माह 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल की खेती तबाह, कहीं जंगली सुअर और बंदरों के झुंड से फसलें चौपट हो रही हैं, किसान कहीं हाथियों के माध्यम से हो रही हैं, किसान अपना माथा पीट रहे हैं, जान का खतरा अलग है। 71% वन भूमि वाले सूबे में वन्य जीव किस प्रकार से मुसीबत का सबब बन चुके हैं, ये गहरा प्रश्न है। पिछले 4 साल के विभागीय आंकड़ों पर ही गौर करें तो 967.2 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलें वन जीवियों ने चौपट कर डाली। इस लिहाज से देखें तो हर साल औसतन 241.8 हेक्टेयर और प्रति माह 20.15 हेक्टेयर खेती वन्य जीव तबाह कर रहे हैं। बंदर हो, लंगूर हो, सुअर हो, ये लगातार माननीय अध्यक्षा जी, हमारा जो क्षेत्र है हल्द्वानी, वैसे तो पूरा नगर निगम है, लेकिन जंगलों के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पे बंदरों का इतना आतंक है कि घरों में घुसकर, फ्रिज खोलकर, रसोई में जाकर राशन को बर्बाद करके ऐसा आतंक मना रखा है, ऐसा आतंक मचा रखा है कि वाकई में जो बहुत दयनीय। तो बड़ी दयनीय स्थिति इस प्रदेश में, जैसे मैंने कहा
मैन वर्सेस एनिमल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बड़ी दयनीय स्थिति इस प्रदेश में आ चुकी है। आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के नागरिकों को, और मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई अवश्य, विशेषतम जो ये हमारे मैन ईटर्स हैं, इनकी क्या संख्या है, ये कितने चिन्हित हुए, क्योंकि मैं ये बता सकता हूं कि डम्बरडुंगा जो मेरा क्षेत्र है हल्द्वानी का, जहां पे, और ब्योरा, जहां पे 3 महिलाओं को बाघ ने मार डाला, आज तक वो जो मैन ईटर था वो गुलदार था या बाघ था ये भी नहीं पता है, और वो ना पकड़ा गया। ओखल कांडा में अवश्य जिस बाघ ने हमला करा था, जिसमें निकिता, जिनका मैंने नाम उल्लेख करा, जो मारा था उसको डीएनए के माध्यम से आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया है। फिर भी ये गंभीर विचार और विषय सरकार के लिए है। माननीय वन मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, आपके लिए भी बहुत बड़ा सरदर्दी का ये वाक्य में, ये सबके लिए, सबके लिए बहुत दुख का विषय। तो मेरी आपसे मांग है सदन के पटल से कि अवश्य वन्य जीवों के संदर्भ में सरकार कोई नीति लाए। बड़े दुख का विषय है, बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कोई अतिरिक्त ऐसा बजट नहीं दिया गया कि ये जो आदमखोर बाघ हैं, ये जो बंदर लंगूर और जो जंगली सुअर और भालू का आतंक है, इसको रोकने के लिए कोई टास्क फोर्स बने या उस पर कोई अतिरिक्त धन की अवमुक्त करने की बात आपने बजट में नहीं रखी है, निराशाजनक है। मेरी आपसे मांग है सदन के पटल से कि विशेष एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, विशेष जो हमारे पर्यावरण